मैं आचार्य श्याम महंत पाठी आप सभी लोगों का श्रीमद् भागवत की अद्भुत एक कहानी सुनाते हैं मित्रों। मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा की एक कहानी सुना रहे हैं, आइए सुनाते हैं। एक संत जी थे जो पैदल कहीं जा रहे थे और उधर से एक राजा हाथी पर बैठे चले आ रहे थे। तो राजा ने संत जी को जब देखा, कहा महाराज हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। संत महाराज ने कहा कि राजन आपका प्रश्न क्या है? तो राजा ने कहा महाराज हमारा प्रश्न यही है कि भगवान रहते कहाँ हैं और मिलेंगे कैसे और करते क्या हैं। संत महाराज ने कहा कि राजन आप हाथी पे बैठे हो इतना ऊपर और हम यहां हैं, तो कुछ पाने के लिए पहले कुछ सेवा वा करनी पड़ती है राजन, तब आपको किसी का उत्तर मिल पाएगा। तो वह राजा अपने हाथी से उतरे और गए संत महाराज का दंड प्रणाम किए और अपने घर संत महाराज को ले गए राजन। तो राजा ने अपने घर ले गए, एक कुटिया बनाई, बहुत सुंदर कुटिया संत महाराज को रहने के लिए, और उस कुटिया में खाने पीने की सारी वस्तु उसमें उपलब्ध हो गई। और जब राजा ने सारी व्यवस्था संत महाराज का उस कुटिया में बना दिया भोजन का, तो संत महाराज ने कहा कि राजन जाइए, दो दिन के बाद आइएगा, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा वापस अपने महल में चले आए और जब दो दिन बीता तब राजा फिर गए संत महाराज की कुटिया में और कहने लगे महाराज अब हमारे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए कि भगवान रहते कहाँ हैं, मिलेंगे कैसे और करते क्या हैं। संत महाराज ने कहा राजन आप अकेला सुनना चाहते हैं या पूरी प्रजा के सामने? तो राजा ने कहा कि अगर मेरी पूरी प्रजा सुन लेगी तो संत महाराज और अच्छा हो जाएगा, तो मैं पूरी प्रजा के सामने सुनना चाहता हूं। संत महाराज ने कहा राजन दो दिन का मौका मैं आपको और दे रहा हूं, दो दिन आप जाइए अपनी प्रजागण को इकट्ठा कर लीजिए, जब इकट्ठा कर लेंगे तब हमको बुलाइएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। राजा ने कहा संत महाराज मेरी बहुत सारी प्रजागण हैं, दो दिन में इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, मुझे और समय चाहिए। संत महाराज ने कहा राजन जाइए, जब आप पूरी प्रजा को इकट्ठा कर लीजिएगा, जितने दिनों में कर लीजिएगा, फिर मुझे ले चलिएगा, मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। फिर वापस राजन वहां से चले आए अपने महल में और इधर संत महाराज अपनी कुटिया में भोजन वगैरह किए। उसके बाद देखा कि एक जो है गृहस्थ जा रहे थे, गृहस्थ जैसे गृहस्थ जी को संत महाराज ने देखा तो बुलाया भैया इधर आओ। वह गृहस्थ आया और संत महाराज का दंड प्रणाम किया, कहा महाराज आदेश करिए किस लिए बुलाए हैं भगवान। संत महाराज ने कहा गृहस्थ से कि मैं तुम्हें एक दिन के लिए संत बनाना चाहता हूं और मैं एक दिन के लिए गृहस्थ बन जाऊंगा, मैं तुम्हें एक दिन के लिए संत बना देना चाहता हूं और मैं एक दिन के लिए गृहस्थ बन जाऊंगा। तो किसान ने कहा महाराज फिर संत बनकर करना क्या है? संत महाराज ने कहा कि राजा के दरबार में चलना है, राजा जो प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर देना है, और जब उत्तर दे देंगे तो राजा खुशहाल होकर खुश होकर के हम लोगों को बहुत इनाम देंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो किसान ने कहा
संत महाराज रहने दीजिए, मैं अनपढ़ गंवार आदमी राजा के प्रश्न का उत्तर कहां दे पाएंगे, इसलिए महाराज ये हमसे नहीं हो पाएगा। संत महाराज ने कहा, अरे किसान भैया, आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, केवल एक दिन के लिए मैं आपको संत बनाना चाहता हूं और मैं आपकी जगह पे गृहस्थ बन जाऊंगा। जब राजा के दरबार में चला जाएगा, जब राजा आपसे कोई प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर नहीं देना, केवल आपको संत बने रहना है। और जब राजा आपसे कोई प्रश्न करेंगे तो यही कह देना कि राजन, ये छोटा छोटा प्रश्न आप मुझसे क्या कर रहे हैं, ये तो मेरा चेला बता देगा, तो हम उस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अब किसान बड़ा खुश हो गया, गृहस्थ बड़ा खुश हो गया, चलो हमको केवल संत ही तो बनना है, उत्तर तो देना नहीं है। वह किसान को संत महाराज ने एक दिन के लिए संत बना दिया और संत महाराज अपने किसान बन गए, गृहस्थ बन गए। और जब एक हफ्ता बीता, राजा जब अपनी पूरी प्रजा को इकट्ठा कर लिए, तब संत महाराज की कुटिया में गए और कहा, महाराज अब चलिए, पूरी हमारी प्रजा इकट्ठा हो गई है, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो राजा के साथ संत महाराज राजा के महल में गए, राज दरबार में पहुंचे तो उनका संत महाराज के लिए बड़ा सुंदर आसन लगा हुआ था बैठने के लिए। राजा ले गए संत महाराज को, उस आसन पे बैठाए और उनका चरण धुल करके चरणोदक लिया, चरण धुल करके। और फिर राजा गए अपने राज सिंहासन पे बैठे, कहने लगे, संत महाराज अब हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, पूरी प्रजागण मेरी उपस्थित है। तब राजा ने कहा, संत महाराज बताइए कि भगवान रहते कहाँ हैं और मिलेंगे कैसे और करते क्या हैं। तो संत महाराज ने कहा, राजन ये छोटा छोटा प्रश्न आप मुझसे क्या कर रहे हैं, ये तो जो मेरे साथ मेरा शिष्य है ये बता देगा। तो शिष्य ने कहा, राजन एक जो है प्लेट में कुछ असरफियां मंगवाइए। तो राजा थे ही, असरफी आ गया। संत महाराज ने कहा, असरफी को राजन गिनिए। तो राजा एक असरफी उठाए कहे एक, दूसरा उठाए कहे दो, जैसे कहे दो तैसे संत महाराज ने कहा, राजन देखिए तो सही, आपके हाथ में एक है कि दो है, आप दो कह रहे हो, हाथ में देखिए तो एक लिए हो कि दो लिए हो आप, रख दिए। तीसरा उठाए राजा ने असर भी, कहा तीन, फिर संत महाराज ने कहा, फिर झूठ बोले आप, अरे राजन हाथ में देखिए तो एक है कि दो है कि तीन है, हाथ में तो एक ही था। कहा राजन ये आपके प्रश्न का उत्तर है, ये को न हम दो दियो नास्ति, ईश्वर एक है, हम सब ईश्वर के अंश हैं। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, हम सब ईश्वर के अंश हैं। राजन आपने पूछा कि भगवान रहते कहाँ हैं और मिलेंगे कैसे, तो राजन इसके लिए दूध मंगवाइए, दूध। तो राजा ने दूध भी मंगवाया और संत महाराज ऐसे उसी दूध में हाथ डाल करके ऐसे ऐसे चलाने लगे। राजा ने कहा, संत महाराज ये दूध में ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं हाथ से। संत महाराज ने कहा, इस दूध में घी है, उसको निकाल रहा हूं खाने के लिए। राजा ने कहा, बड़े मूर्ख हो। कहा, संत महाराज आपका शिष्य तो बहुत मूर्ख है, अरे दूध से ऐसे घी कैसे निकलेगा भाई, पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर दही बनानी पड़ती है, फिर दही को मथा जाता है, मथने से मक्खन निकलता है, उस मक्खन को फिर आग पे तपाया जाता है, तब कहीं जाकर के हमें घी प्राप्त होता है, इतनी मेहनत करने के बाद ऐसे कैसे दूध से घी निकल जाएगा। संत महाराज ने कहा, राजन यही आपके प्रश्न का उत्तर है,
जैसे इस दूध में घी है दिखाई नहीं दे रहा, वैसे हमारे आपकी आत्मा में भगवान का निवास है, भगवान रहते हैं। राजन आपने यही पूछा ना, भगवान रहते कहाँ हैं? तो हमारे आपके आत्मा में भगवान रहते हैं, कणकड़ में भगवान का वास है। और मिलेंगे कैसे? जैसे इस दूध से घी को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, पहले दूध को गर्म किया गया, फिर दही बनाई गई, दही को मथा गया, मथने से मक्खन निकला, फिर मक्खन को आग पे तपाया गया, तब हमें जाकर कहीं घी प्राप्त होता है, तब हमें घी मिलता है। उसी तरीके से आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, दान पुण्य करिए, कथा भागवत सुनिए, परोपकार करिए, तब आपको भगवान मिलेंगे, ऐसे थोड़े मिलेंगे। जैसे इतनी मेहनत के बाद हमें घी प्राप्त होता है, ऐसे हम अपने कर्मों के अनुसार अच्छे कर्म कर करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं। राजा ने कहा, महाराज भगवान बताइए करते क्या हैं? संत महाराज ने कहा, राजन आपके मैंने इतने प्रश्नों का उत्तर दिया, अब आप ये बताइए कि आप हमारे गुरु हैं या मैं आपका गुरु, आप मेरे गुरु हो या मैं आपका गुरु। राजा ने कहा, नहीं महाराज आप ही हमारे गुरु हैं। संत महाराज ने कहा, फिर बताइए राजन, आप राज सिंहासन पे बैठे हो और मैं यहां बैठा हूं, राज सिंहासन से आइए, इधर नीचे बैठिए, हमको वहां बैठने दीजिए। अब राजा जो है आए कुर्सी पर बैठे और संत महाराज गए राज सिंहासन पर बैठ गए राजा के। संत महाराज ने कहा, राजन आपने यही पूछा ना, भगवान करते क्या हैं? तो भगवान यही करते हैं, राई से पर्वत, पर्वत से राई। अभी तक आप राजा थे, अब मैं राजा हूं, भगवान यही करते हैं। राजन किसी को राजा बना देते हैं, किसी को भिखारी बना देते हैं, यही करते हैं भगवान। अभी तक आप राजा थे, अब मैं राजा हूं। जय सियाराम।